अस्सलामुअलैकुम। आज हम काफ़ी टाइम से निकल नहीं पा रहे थे, हमें डीलर के यहाँ जाना था और शूट का नाप देने के लिए वक्त निकल जाता था। शॉप इतनी जल्दी बंद हो जाती है, 7 बजे ही शॉप बंद कर देते हैं। तो आज हम गए अभी नमाज पढ़ के असर की और देखा हमने वहाँ पर दुकान खोली, नाप दे के आए हैं। तो हमने कहा थोड़ी सी सब्ज़ी वगैरह भी खरीद ली। देखो आवाज़ आने लगी, शटर गिरने लगे हैं, मार्केट 7 बजे बंद हो जाता है। जब मतलब गर्मी का टाइम होता है, लोग निकलना चाहते हैं, मार्केट बंद हो जाता है। ये कब तक ऐसा चलेगा? जल्दी से बस अच्छा हो जाए सब कुछ और मार्केट पूरा खुलने लगे। जब भी हम लोग का वक्त मिले तो पहले तो लेट नाइट खुलती थी, जल्दी से अब दुआ करें सब लोग जल्दी से मार्केट पहले से ही हो जाए। बहुत टाइम हो गया पहले जैसा होने में, हम लोग निकल नहीं पाते, मार्केटिंग नहीं हो पाती, कुछ भी शॉपिंग वगैरह सब भाग रहे हैं जल्दी 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 करने के लिए। तो फ्रूट्स लेके ये दे गए, गाड़ी में रख गए हैं हमारी मियाँ जी। अब सामने गए हैं सब्जी लेने हैं जल्दी से। आज हमको लेके नहीं गए, हम लोग जहाँ से सब्ज़ी परचेज करते थे उस साइड नहीं गए, हम लोग उधर से निकल रहे थे, कुछ दुकानें खुली हुई थी तो खुद लेने। देखो साथ में नहीं उतारते, हम गाड़ी में बैठे हैं और वो खुद चले गए सब्ज़ी लेने। वैसे हमें सब्ज़ी में शॉपिंग करने में बहुत मज़ा आता है, उधर देख रहे हैं। देखिए सामने से सब्ज़ी लेके मेरी मियाँ जी चले आ रहे हैं है ना। क्या लेके आए हैं जनाब? क्या क्या ले आए? पीछे क्या डाले? जो डाल पाओ डाल। क्या ये पनीर, मटर, आलू और क्या लिया सब्जी में? नींबू, खीरा। आलू में डालने के लिए क्या लिया? लौकी। लौकी आलू में डाल, आलू में डालेंगे लौकी? कहाँ हो गया कुछ आलू की डालने की सब्जी लेते ना, आलू में क्या मिला के बनाएंगे लौकी? लौकी तो सिंगल अभी क्या बनाएंगे, मटर पनीर और आलू के। आलू तो ऐसे ही ले आए आप है ना, हमको आज नहीं उतारा आपने यहाँ पे इस इलाके में। आप हमको नहीं उतारते हो क्यों सब्जी लेने के लिए? और वहाँ चौगुट जी चलते हैं तब तो आप डाल देते हैं, जाओ लेके आओ अपने मनपसंद की सब्जी, ऐसा क्यों? नहीं जगह होती है, देख रहे हैं यहाँ पे रश है, सारे पंडित जी जा रहे हैं गाड़ी में, ऐसा लग रहा है किसी उससे आ रहा है शायद। ढोलक वोलक भी है उनकी वैन में यार, कितना हाँ कितना कंजेस्टेड एरिया है ये, बहुत ज्यादा, जरा सा भी कुछ नहीं निकलता है मुझसे। हाँ भैया चल आगे देख ले, देखा उसने सोचा देखो ये मोबाइल ऐसे क्यों पकड़े हैं तो शूट कर रही है, देखा लोग हाल देखने लगते हैं। लेकिन दुकानें तो अभी वैसे ही खुली हुई है, 7 बज गया है, मच गई जल्दी। रात बज गया है बहुत देर से, हम सोच रहे जल्दी और से पता नहीं क्या हो गया, कान से सुनाई नहीं दे रहा मुझे ये वाली दुकान से लिया होगा आपने पनीर है? सही होता है इसके यहाँ का? अच्छा होता है, रबड़ी बहुत अच्छी होती है। अरे तो रबड़ी खिला, लेकिन हम कैसे खा सकते रबड़ी यार, बड़ा बुरा होगा मेरे साथ। कितना पसंद था यार खाना खाने के बाद मीठा खाना। अब हम आपसे कह ही नहीं सकते सुनो जी रबड़ी ले आना रबड़ी, अब आप कहोगे भी तो हम सुनाएंगे नहीं सुनेंगे नहीं, नहीं तो एक चम्मच तो खा सकते एक चम्मच तो खा सकते नहीं तो दवा भी तो खा ही रही है लगातार। हमें तो ये लग रहा है आप और कितना हॉर्न तेज बजाते हैं, पता है विदेशों में लोग हॉर्न नहीं बजाते। उधर हम एक वीडियो देख रहे थे तो मालदीव की बात थी, कहाँ की थी, हाँ वहाँ पर ना लोग ना हॉर्न ही नहीं बजाते, इतने आराम से चलाते हैं। यहाँ पे देखो फालतू में बजाते चले जाते हैं, हॉर्न भी बजाते हो तो लोग नहीं सुनते यार, यहाँ के बहुत ही ज्यादा रूल्स बहुत ब्रेक करते हैं यहाँ के लोग। कौन बजाने वो बोल रहा था कि यहाँ पे इतनी शांति है, कोरोना खत्म हो गया, शादी मैरिज ऑन स्टार्ट हो गए। अरे तो वो तो वैसे ही बराबर कोरोना में भी चल रहे थे, 50 की इजाजत थी और लेकिन भीड़ बराबर थी। अब कह नहीं सकते मतलब जेब सबकी गर्म हो जाती होगी इसलिए नहीं कहाँ करिए, देख रहे हैं ये हमारी यहाँ से ली थी हमने अपनी i20 शोरूम से।
अभी इतनी रोशनी है कि आप थोड़ा दिख रहा है, वैसे हम लोग ज्यादातर नाइट में निकलते हैं तो कुछ शूट नहीं कर पाते। मगरिब की अज़ान हो गई होगी अब तो, बस चलो हमारा तो वजू है, जाते जाते पढ़ लेंगे। निकल ही नहीं पा रहे थे रोजाना, देखो आज जो हम फैज और खुशी के बीच ये एक एक काम है, ये देखे दोनों में से सबसे पहले कौन खाता है, ये कंपटीशन कराते हैं। तो फैज और खुशी 1 2 3 स्टार्ट। देखते हैं दोनों भाई बहन में कौन सबसे पहले आम को चूस के खत्म करता है। ये नीचे टपक खा रहा नहीं खा रहा, हमने देख लिया है, कोई बात नहीं, जल्दी से खत्म करो खाने का कंपटीशन। और जो जीत जाएगा इसके अंदर की गुडली भी बिल्कुल साफ होना चाहिए, वही रखो उसमें ट्रे में, ट्रे में। हाँ जल्दी करो फैज, जल्दी करो, हाँ ऐसे दांतों से करके, और उसको साफ होना चाहिए, निकलना नहीं चाहिए, हम देखेंगे गुडली। जो जीतेगा उसका अपने आप, आपस में आप लोग देखें एक दूसरे से क्या करवाते हो। लगे हुए हैं दोनों। हाँ भाई अब्बू जी कौन जीतेगा बताओ, दोनों बच्चों में कौन खा जाएगा, खुशी या फैज? फैज खाते हुए बराबर, जल्दी से जल्दी चूसते हुए। ये खुशी अपनी भी अपनी पूरी नहीं है, घबराओ नहीं, घबराओ नहीं, देखे ठंडे हो गए, आम ठंडा था, आराम से खाना। हाँ जल्दी खाओ फैज, इसमें जल्दी दिखाओ। अरे चिकन लेग पीस होता तो नहीं जाता, चलो हम चिकन लेग पीस भी मंगा के आपको खिलवा देंगे आपके। हम नहीं खाते ना चिकन लेग। हाँ तो वो और किसी के साथ करा देंगे, कैफ भाई के साथ करा देंगे। तो ये दोनों लगे हुए हैं आम के खाने वाले शौकीन, ये लगे हुए हैं। मैंगो को ऐसे कोई चूस के खाता है क्या, बेचारी की गुटली, ऐसी खुशी ने तो उसकी जान निकाल दी गुटली की। और ये लगे हुए दोनों भाई बहन आपस में, आम खाओ कंपटीशन, आम खाओ, बताओ जल्दी बताओ, आप भी तो कुछ गैस करो कौन जीतेगा। खुशी हमारी जीतने वाली है, गूदा पूरा फिनिश करना, दोनों का साइज बराबर था। अब देखें फैज जीत गए क्या, अभी उसमें फैज के उसमें थोड़ा सा बचा हुआ है, नहीं तो आप बिल्कुल वो कर दो खत्म। फैज जल्दी जल्दी, वो देखो उनके में भी बहुत है। नहीं उसने साफ किया है, साफ किया है, कोई बात नहीं, उसने पूरी साफ की है, अभी इसके कवर में नहीं होना चाहिए, कवर में पहुंचा भी जल्दी जल्दी खिलवा। ऐसे ना बोलो, अच्छी ये कंपटीशन तो कंपटीशन होता है भाई, खाने का भी कंपटीशन होता है, आम आजकल है चल रहे हैं, सब लोग इतने शौकीन हैं आम खाने के। तो फैज गुटली हो गई दोनों की, अब उसके जो छिलके में हैं, गैस करो भाई आप बोल ही नहीं रहे हैं, देखो तो देखो कितना अच्छा कंपटीशन चल रहा है, देखो कौन जीतेगा आपके दोनों बच्चों में। ये एकदम पागल, ये कौन जूस खाएगा, अभी अंदर बहुत सारा है, वो रूए होते हैं। अरे खाना पड़ेगा, वो देखना है कैसे खाते हुए, देखो इतना सारा है अंदर। हाँ मेरा खत्म हो गया। हाँ बिल्कुल सही, खुशी ने पूरा फिनिश किया, चांस खाने दिया, फैज का भी खत्म है, बस थोड़ा सा रह गया था, बिल्कुल अभी इसमें थोड़ा सा गूदा बाकी है, खुशी ने बिल्कुल फिनिश करके ऐसे चचोड़ के खा गई अच्छे से, इनके में अभी थोड़ा लगा रह गया। तो फैज आज आप फिर हार गए, कल उसके आम वाले में आम डांस कराओ आराम से, फिर दोबारा चढ़ा दोगे। अच्छा चलो ठीक है, हाँ खुशी तो फिर आप क्या तो फैज के लिए क्या करेंगे, नहीं है खा लो अब तो तुम हार गए, आराम से खा लो। तो खुशी बता फैज क्या करेगी, जो तुम करवाओगे वो फैज करके बताएगा आपको। फैज अभी भी लगे हुए हैं बिल्कुल, उसको फिनिश करके उसके बाल वाल भी खा जाएंगे लग रहा है। बाल ही तो नहीं खा पाते, बाल ही तो नहीं खा पाते पूरा, अब बस इतना छोड़ भी दिया जाए थोड़ा सा आम, जब तक तो नहीं तो आप तो वैसे ही हार गए। खुशी बताइए, खुशी आप इनसे क्या करवाओगे अगर ये हार गए हैं तो बताओ क्या करवाओगे इनसे। दो दिन तक सारे काम मेरे करेगा, दो दिन तक सारे काम करेगा, दो दिन तो ज्यादा हो गया, एक आम का कंपटीशन था तो एक दिन तो रखो ठीक है, एक दिन हाँ मंजूर है, शाम इस समय इस टाइम तक है, बताओ घंटा, चलो एक घंटा, एक घंटा एक एक वो एक दिन एक। तो आप लोग
क्या सीओडी खेलते हुए ये लोग देख कितने आराम से इनके चल रहा है। मम्मी का भी काम हो गया, आपका भी काम हो गया। देख नहीं सकते कैमराओं में। अस्सलामु अलैकुम फ्रेंड्स, हैव अ नाइस डे। आज हमने सुबह ही सुबह शूट किया है, काफ़ी टाइम से नहीं किया है। गुड मॉर्निंग, हाँ सबको नहीं किया है। देखिए कितने बज रहा है, 11:15 बज चुका है। बहुत देर पहले हमारा ब्रेकफास्ट हो गया, हमारा हमारे मियाँ जी का। मियाँ जी किचन में कुछ ढूंढ रहे हैं और ये देखिए खुशी का नाश्ता हो रहा है। गुड मॉर्निंग, इनकी काफ़ी लेट हुई है। ये दलिया इन्होंने क्या खा रही, खुशी क्या खा रही है? नमकीन दलिया और चाय। नमकीन दलिया और चाय, फैज का हलवा, फैज छोड़ के भाग गए। अब ये प्याज व्याज तो हमारे भी खा रहे हैं साथ में। ये हमारे मसाले की तैयारी है। आज हम बना रहे हैं मसरंगी की सब्जी, मूँग की दाल की पकौड़ी की सब्जी, इसलिए उसका मसाला है। और ये बोलो खुशी, क्या बोलो, क्या आज क्या कौन सा डे? अभी बोल रही थी फादर्स डे, तो हैप्पी फादर्स डे बोलो। हम बोल चुके। किसको? अब्बू को। और किसे बोलेंगे? सामने बोलो अच्छे से, उनका मुंह मीठा कराओ आके। हैप्पी फादर्स डे बोलो, बस के बोलो, करो जोर से, बोलो। हाँ अच्छा से इधर आ जाओ जरा, बाप पता नहीं क्या तार वार क्या तार लगाओगे इसके, जल्दी आओ। आप लोग को तो कुछ समझ ही नहीं आता है। नहीं आता भाई, हम लोग नाला लोग। चलो बोलो सामने, हम इधर करो, विश करो। अब खा रहे हो? अरे अरे यार ऐसे ही कर दो, लो आओ लो, पास में आओ, जोर से खा रहे हैं। बहुत किस्मत वाली हूँ आपके फादर इस टाइम, आप उन्हें खिला रहे हो। मेरे पापा तो चले गए, हम कैसे खिलाए? कल से उनकी बहुत याद आ रही है। बेचारे जा, इधर आ जा बच्चे। ऐसा लग रहा है आपके ऊपर मैंने बंदूक, मेरी बंदूक चलेगी है। फैज इधर आओ, इधर अच्छे से की चोटियां नहीं बन रही, अबू इधर आओ, अबू को अच्छे से बोल के आओ, एक किच्ची किच्ची करा जाओ। अरे आओ तो, अरे आओ तो, पाली पाली कर लो, पाली कर लो, पाली। ये क्या बना के आया है? अपनी चोटी देखो, कितनी अच्छी चोटी बनाने चला गया है। चोटी नहीं बन रही जब तक मम्मी ने उसके बाल काट दिए। नहीं तो देखो चोटी कैसे, बच्चों की चोटी अभी से थोड़ी ना हीरो बना जाए। तो आपको इस बात का दुख है? अच्छा लड़कियाँ चोटी थोड़ी ना बांधती। लड़कियाँ बोलो, लड़के चोटी थोड़ी ना बांधते। वो थोड़े लोग होते हैं जिनका दिमाग छोटा सा होता, तो इसलिए छोटी बांध लेते, तो दिमाग बड़ा हो जाता। हे गाइस, तो हमारा ये वीडियो आपको कैसा लगा, पसंद आया तो आप लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। अच्छा मौसम है, अच्छा ही कमेंट लाइक आने चाहिए, तो लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब कीजिए। हाँ जी फैज, देखो हम लोग कितना मेहनत करते हैं आप लोगों के लिए, इतने अच्छे अच्छे वीडियो बना के देख रहे हैं भाई, जैसे भी मिल रहा है तो आप लोगों की तरफ से हमें बोलो भाई छुटकू। हाँ तो इन लोगों का आपको जो कंपटीशन है आम खाने वाला, देखिए आपने उसमें खुशी से काम करवा रही है आज का, उसने अपने फैज ने सारे बिस्तर तय करके रख दिए, उसका काम किया आज। और आप लोग भी यार कुछ अच्छे से लाइक करो, कमेंट करो, सब्सक्राइब करो,